हे गाइस, तो कैसे हो यार सभी लोग। तो यहाँ पे मैं प्राइवेट कंपार्टमेंट कंपार्टमेंट टू पत्याचार स्टूडेंट को गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ। जो कमेंट बॉक्स में हमें कह रहे थे कि सर आप अब प्राइवेट कंपार्टमेंट पे वीडियो क्यों नहीं बना रहे हैं। वीडियो इसलिए नहीं बना रहा था कि आपकी जो हियरिंग थी वो 28 जून को थी, तो जो भी डिसीजन आना होगा उस दिन होगा। लेकिन अभी बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है। जो ममता शर्मा मैम है, जो आपके लिए PIL फाइल दर्ज करना चाहती हैं, उन्होंने अभी अभी ट्वीट किया है कि वर्किंग ऑन अ पिटीशन फॉर प्राइवेट कंपार्टमेंट पत्याचार कंपार्टमेंट टू स्टूडेंट्स विल सीक जस्टिस फॉर दिस स्टूडेंट टू। यानी कि इसमें जो है जो दर्ज होने वाला था PIL वो फाइल हो चुका है, इसके लिए भी हियरिंग होगा। और ममता मैम ने बोला कि हम आपके साथ हैं, आपकी एग्जामिनेशन करा ही दम लेंगे। लेकिन साथ ही एक और बहुत बड़ा अपडेट है, उन्होंने आपसे भी हेल्प मांगा है। वो हेल्प क्या है आइए बताते हैं। तो ममता मैम ने ये भी ट्वीट किया है कि CBSE प्राइवेट पत्राचार सेकंड कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th काइंडली फिल दिस फॉर्म। उन्होंने एक लिंक दिया था ट्वीट के साथ ही अपने, और उसमें उन्होंने बोला था कि आप इस फॉर्म को फिल करिए जहाँ पे आपको अपना नाम, बोर्ड, कौन से क्लास से हैं आप, कौन से स्टेट से हैं और कौन से पार्ट के हैं, या फिर जैसे कंपार्टमेंट प्राइवेट कंपार्टमेंट टू पत्राचार किस पार्ट के हैं आप। तो ये डाटा मैम ने आपसे मांगा है ताकि ये सुप्रीम कोर्ट को दिखा सके कि इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जो एग्ज़ामिनेशन देने जा रहे हैं, और अगर इतने सारे स्टूडेंट्स कॉन्टैक्ट में आएंगे तो फिर जो कोविड का केस है रेट है वो कितने तेज़ी से बढ़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट डाटा मांगता है। तो आपकी हेल्प के थ्रू मैम आपकी एग्जामिनेशन कैंसिल करा सकती हैं। तो हम लोग आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ज़रूर इस लिंक पर क्लिक करके और आप अपना फॉर्म फिल करिए। तो बात आता है कि लिंक कहाँ मिलेगा, तो ये जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहे हैं आपको, और साथ ही आप ममता मैम की जो ट्विटर अकाउंट है उस पर जाके भी इस लिंक को पा सकते हैं। तो यार बने रहिए चैनल पे हमारे, जैसे ही कोई अपडेट आता है हम तुरंत वीडियो बना के आपको अपडेट दे देंगे।